दोस्तों, आपका अच्छा समय आने से पहले स्वयं भगवान आपको देते हैं यह छह संकेत। जी हाँ दोस्तों, जानिए इनके बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। मित्रों, किसी भी धर्म पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को यह यकीन रहता है कि इस संसार को भगवान ने बनाया है। ऐसा मानने वालों को आस्तिक कहा जाता है। हम देखते हैं कि भगवान द्वारा बनाए गए इस संसार में कई सारी अद्भुत चीजें हैं। इसमें इंसान के इस्तेमाल की हर वह चीज है जिसकी उसे जरूरत होती है, यानी जो भी हमें चाहिए वह सब हमें इस प्रकृति से मिल जाता है। इसी तरह व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय का भी बड़ा ही महत्व होता है। यह सब भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे भाग्य में जो भी घटित होता है वह भगवान द्वारा पहले से निर्धारित होता है, और भगवान अपने भक्त को उसके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी हर घटना का सही समय पर आने पर मित्रों संकेत भी देते रहते हैं। लेकिन शर्त यही है इतनी कि हम उन संकेतों को समझ सके। मित्रों, अगर हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो हमारे भविष्य के बारे में हम पहले से समझ सकते हैं। मित्रों, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा, और समय आने पर ही मिलेगा। इसीलिए समय की व्यक्ति के जीवन में बड़ी ही अहम भूमिका होती है। कभी कभी इंसान के जीवन में अच्छा समय आता है तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय भी आता है। कहा जाता है कि जैसे अच्छा वक्त इंसान के जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिकता, वही बूढ़ा समय भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। समय का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है। अगर किसी का अच्छा समय होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आइए मित्रों, हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के आधार पर आप भी जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो आइए आप भी जानें ऐसे कुछ संकेतों के बारे में, यह कुछ खास संकेत। हे मित्रों, पहला संकेत, सुबह उठने के बाद आपको अपने ही अंदर एक खुशी महसूस होने लगे, और जब आप अपना चेहरा आईने में देखें तो आपको अपने चेहरे में से एक अलग प्रकार की चमक महसूस होने लगेगी। मित्रों, आपको अपने चेहरे के अंदर एक अलग ही ग्लो नजर आने लगे तो मित्रों समझ जाना चाहिए आपको कि उस दिन आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला ही है। या फिर ऐसे संकेतों का यही तात्पर्य हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही जितनी भी मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में कम होने वाली है। तो मित्रों, जब भी आप सुबह उठे तो अपने आप के चेहरे को एक बार आईने में जरूर देखना। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमकदार, आपको लगता है आपके अंदर अच्छी खुशी महसूस होती है, तो मित्रों आपके जीवन में जरूर खुशियां आने वाली हैं, बर चाहते हैं। मित्रों, दूसरे खास संकेत की ओर, मित्रों बिना वजह ही परिवार के किसी सदस्य से आपको अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं, मित्रों बिना ही किसी वजह से कोई आपका परिवार का व्यक्ति अगर आपको कोई पैसे देता है तो इसका मतलब यही होगा कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। मित्रों, इसके साथ ही आपके धन में भी आने वाले समय में वृद्धि होने की संभावनाएं भी बेहिच जाती हैं। तो अगर आपको भी आपके कोई परिवार का या आपका कोई रिश्तेदार बिना कोई किसी वजह के आपको कुछ पैसे दे देता है तो समझ जाइए कि आपका आने वाले समय में धन में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मित्रों, तीसरा बड्ढे संकेत, अगर सुबह सुबह यदि आप किसी से पैसा लेने की सोच रहे हैं और वह व्यक्ति आपसे खुद आगे रहकर मिलने आ जाए और फिर आपको पैसा मिल जाए तो समझ जाएगा कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। मित्रों, अगर आप किसी से पैसा लेने की सोच रहे हो और वह व्यक्ति खुद आपसे मिलने आ जाए और आगे रहकर आपको पैसा दे जाए तो समझ जाइए कि आपका शुभ समय शुरू होने ही वाला है। तो यह भी एक बड़ा संकेत है। चौथे संकेत की ओर बढ़ते मेट्रो बड़ा ही खास संकेत है कि अगर आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपका कार्य सफल होने वाला है। मित्रों, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके सामने अगर पानी से भरा हुआ घड़ा आपको दिख जाए या दूध से भरा हुआ बर्तन दिख जाए तो मित्रों गांठ बांध लीजिए, आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। मित्रों, चौथे पांचवें बड़े संकेत की ओर बढ़े तो यह बात तो सब जानते ही है कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय के संकेत देते हैं। जी हां मित्रों, अगर आपके घर या आसपास बिल्ली बच्चों को जन्म देती है
तो यह अच्छे समय का बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, अगर आपके घर के आसपास किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका बहुत ज्यादा अच्छा समय शुरू होने वाला है। और यदि आपको घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा भी दिखाई दिए तो मित्रों समझ जाइए कि आपके बहुत ज्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका जो दिन है वह भी शुभ बीतने वाला है और आपका जितना भी कर्ज था वह धीरे धीरे वापस चुकने वाला है। मित्रों और आप कर्ज से भी मुक्त होने वाले हैं। तो मित्रों ये जो संकेत है कि पशु पक्षी वाला, मित्रों अगर बिल्ली आपके घर के आसपास बच्चे देती है और आपके घर में किसी कुत्ते का या फिर बिल्ली के बच्चे का आगमन होता है तो समझ लीजिएगा मित्रों कि आने वाले समय में आपका राज योग होने वाला है। मित्रों पांच बड़े संकट की ओर बढ़ें। तो मित्रों अगर आपके घर की छत पर या घर के आसपास बंदर यदि आम की गुठली आपकी छत पर फेंक देता है खाकर, या फिर मित्रों कोई पक्षी चांदी की चीज आपकी छत पर छोड़ देता है तो यह बहुत ही बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही धन में भी बढ़ोतरी होती है। और अगर आपके घर परिवार में काफी ज्यादा कलह होता है, झगड़े होते हैं, तो परिवार में सुख शांति का आगमन इन चीजों के, इन संकेतों के बाद से आने लगता है। यह बहुत ही अच्छा और बड़ा संकेत है। मित्रों पितरों छठे संकेत की ओर बढ़ें, पैसा बचने लगता है। जी मित्रों यदि आपको लग रहा होता है कि आपके बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्चे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, आप अपनी खुद की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा रहे हैं और पैसा आपके पास टिकने लगा है तो समझ लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस और धन संचय भी बढ़ रहा है। तो मित्रों पूरा समझ जाइए कि आपका समय शुभ शुरू हो चुका है। तो मित्रों यदि आपके जो फोकट के खर्चे होते हैं वह कम होने लगे हैं और आप पैसे को बचाने लगे हैं और आपके बैंक बैलेंस में भी धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि अब आपके अच्छे समय को कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों सातवें संकेत की ओर बढ़ें, पानी या दूध से भरा हुआ बर्तन। मित्रों यह हमने पहले भी बता दिया है, जब भी आप सुबह घर से निकलते हैं तो उस समय आपके सामने पानी या दूध से भरा हुआ बर्तन आपको दिख जाए तो समझ लेना है कि आपके आज का दिन बड़ा ही शुभ बीतने रहा है। अब तो आप जान गए ना कि जब भी आपका शुभ समय आने वाला होता है तो आपको भगवान की ओर से यह शुभ संकेत मिलने लगते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो खुद भगवान सोच रहे, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें और अपने विश्वास को डगमगाने बिल्कुल न दें। उनकी कृपा आप पर रहेगी तो आप हर मुसीबत को पार कर पाएंगे और आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी आसान लगने लगेगी। तो मित्रों ये थे कुछ खास संकेत जो अगर आपके जीवन में आते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों आपने यह तो जान लिया कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बुरा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मनुष्य को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। मृत्यु के आने तक व्यक्ति अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों की सजा प्राप्त कर चुका होता है, फिर चाहे वह रोगों के जरिए हो या फिर कोई दुर्घटना के जरिए हो या फिर परिवार से मतभेद हो या अलगाव हो। फिर मित्रों जीवन में आने वाले सुख दुख भी क्यों ना हो, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वह मनुष्य के कर्मों का पाई पाई का हिसाब लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन सब बातों का संकेत नहीं मिलता है। मित्रों प्रकृति और भगवान आपको कई तरह के आपके बुरे वक्त का इशारा देते हैं। मित्रों जानिए इन इशारों के बारे में। जब आपको ये इशारे यानी कि ये संकेत मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि या तो आपके बुरे दिन आने वाला है या आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। इन संकेतों के बारे में अगर आपको पहले से पता चल जाए तो दोस्तों आप सावधान भी हो सकते हैं और आप अपने बुरे दिनों से भी बच सकते हैं भगवान को प्रसन्न करके। तो दोस्तों सभी संकेतों को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके जीवन में बड्ड ही महत्वपूर्ण और बड्ड ही लाभकारी होने वाली है। मित्रों वीडियो को हल्के में बिल्कुल ना ले और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो के आखिरी में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे
शनिदेव को प्रसन्न करने का दोष तो पहले संकेत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घर में अगर लाल चींटियां आने लग जाएं, दोस्तों चींटियों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु अगर हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा ही हो रही हैं, अगर आपके घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी चींटियां जा ही नहीं रही हैं, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके या तो बुरे दिन आने वाले हैं या आपके साथ कोई बड़ा अशुभ घटना घटने वाली है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा संकेत है, भगवान के द्वारा इसको हल्के में लेने की गलती ना करें और दोस्तों पूरा आंकलन लगा ले कि आप कहां गलती कर रहे हो। दूसरे संकेत की ओर बढ़े मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है जूते चप्पल का चोरी होना। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार शनि कुपित हो तो व्यक्ति के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। शनि की बुरी नजर से बचने के लिए सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यदि आपके जूते चप्पल बार बार चोरी हो रहे हैं तो समझिए आपसे शनिदेव कुपित हैं और इसके परिणाम भयानक होने वाले हैं। जूते चप्पल का खोना धन हानि का भी बहुत बड़ा संकेत है। हमारे शरीर में शनि का प्रभाव पैरों में अधिक होता है, पैरों से जुड़ी चीजों का खोना शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा संकेत है शनिदेव आपसे क्रोधित होने के। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो यहां से शनिदेव को प्रसन्न करने के तरीके अपना सकते हैं जो कि वीडियो को आखिरी में बताएंगे। दोस्तों तीसरा बड़ा संकेत आपको बताने जा रहे हैं, खर्च होना या नुकसान होना। दोस्तों नौकरी में जब बात आपकी सैलरी पर आ जाए उसमें बेवजह के डिस्कशन किए जाने लगे या फिर आपके कारोबार में हो रहा नफा अचानक नुकसान में बदलने लगे, धन के आने के सब रास्ते एक एक करके मित्रों आपको बंद होने लगे, यहां तक कि आपकी जमा पूंजी भी खर्च होने लगे, तो समझिए आप पर शनि का बुरा असर पड़ रहा है। बेवजह का नुकसान शनि की तुष्टि का ही फल होता है। तो दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है जब बात आपकी सैलरी पर आ जाए और बेवजह यह आपके खर्चे होने लग जाए, जब आपकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खर्च होने लग जाए और कुछ ऐसे मित्रों आपके जीवन में खर्चे आ जाएं जिसको आप टाल ही नहीं सकते, चाहे आपको कर्जा क्यों ना लेना पड़े, चाहे किसी की बीमारी में खर्चा हो गया हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया, अगर ऐसे संकेत मिल रहे तो दोस्तों शनि आपसे कुपित हैं। चौथे संकेत की ओर बढ़ें मित्रों, जोड़ों में दर्द होना और बाल का सफेद होना। आमतौर पर यह हम इस चीज को आम मानते हैं क्योंकि बूढ़ों में जोड़ों का दर्द आम बात है और बाल सफेद होना भी आम बात है, परंतु असमय बालों की सफेदी और असमय, अगर आप जवान हैं फिर भी आप जोड़ों में दर्द हो रहा है, कभी आपको ऐसी चीजें होती नहीं है परंतु अचानक ही ऐसी चीजें आपके साथ होने लगी हैं, तो शनि की कुपित दृष्टि का असर माना जाता है। ये संकेत आपके बुरे समय की ओर इशारा करते हैं, इसलिए मित्रों शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाने से आपके ऊपर चल रहे इन प्रभावों का असर कुछ कम हो सकता है। दोस्तों कुछ और उपाय है जो हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे, ध्यान से उन्हें सुनिएगा। दोस्तों ये जो बहुत बड़े संकेत हमने दिए हैं, जोड़ों में दर्द और बाल सफेद होना, तो मित्रों समझ जाइए कि शनि आपसे कुपित हैं और आपको कुछ ऐसे चीजें करने चाहिए, ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिससे शनि का प्रकोप कम हो। मित्रों यह भी है, संकेत शनि का प्रभाव हो तो मित्रों ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है। जी दोस्तों अगर शनि का प्रभाव है आपके ऊपर, आपके अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं और आपके बुरे दिन आना शुरू हो रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। अगर आपका मित्रों किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो यह भी एक बुरा समय शुरू होने के संकेत दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको उस काम से बड़ा ही लगाव था पिछले समय, परंतु अब आगे आगे धीरे धीरे उस काम में आपको मन ही नहीं लग रहा है। दोस्तों एक काम या एक टाइम उस काम को करने में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी, परंतु अब ऐसा हो रहा है आपके साथ के आपको मन ही नहीं लग रहा है, बस केवल पड़े रहने की इच्छा कर रही है आपकी। ऐसा होता है जीवन में जब हमें किसी भी काम में रुचि नहीं होती है, बस इसी इच्छा होती है कि आप बस केवल बैठे रहें। आलस्य करता है वह इंसान तो समझ लीजिएगा कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। मित्रों थकान होना यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। बेवजह थकान होना, बेवजह आलस्य का बढ़ना, ये सभी जो है बुरे समय की शुरुआत के बहुत बड़े संकेत हैं। ऐसा हो तो समझिए कि आपके लिए मुश्किल घड़ी से निपटने का समय आ चुका है। इस अशुभ असर से बचने के लिए भगवत भक्ति का सहारा लीजिए। दोस्तों हमारा मतलब आपको डराने का बिल्कुल नहीं था,
हमारा बस मतलब इतना ही था कि आपने पिछले समय या कुछ गलत कर्म किए हों या फिर किसी चीज की वजह से आपके ऊपर शनि प्रकोप है। तो दोस्तों, इन चीजों से बचा भी जा सकता है अगर आपको इन संकेतों के बारे में पहले पता लग जाए, फिर आप शनिदेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने ऊपर शनिदेव के प्रकोप को आसानी से मित्रों डला सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे, अब बढ़ जाते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपायों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसे जरूरतमंद होते हैं जिनको हर चीज की जरूरत होती है। कुछ ऐसे गरीब होते हैं जो दो वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। तो दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करना है तो किसी गरीब को खाने की मदद जरूर करिए। ऐसा करने से शनिदेव जरूर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, किसी को पैसा देना ना देना ये तो गलत अलग बात है, परंतु अगर किसी को खाने की मदद कर दी तो दोस्तों शनिदेव इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, तिल का दान करना। दोस्तों, तिल का दान महादान माना जाता है, तो अपनी बहन बेटी में तिल का दान जरूर करिए। आमतौर पर संक्रांति वाले दिन तेल का दान बहुत से लोग करते हैं, परंतु मित्रों आए दिन भी अगर शनिदेव का प्रकोप बढ़ा रहा है तो आप तिल का दान अपनी बहन बेटियों में कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न जरूर होते हैं और शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है। दोस्तों, कभी कभी हम बिना गलती में, दोस्तों कभी कभी हम न चाहते हुए भी किसी छोटे मोटे जीव को नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी कि मान लीजिए हम चलते समय किसी चींटी पर हमारा पैर रखा गया हो या न चाहते हुए भी। तो दोस्तों, इस प्रकोप से बचने के लिए मछली को आटा आप खिला सकते हैं, चींटियों को आप चीनी डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य शनिदेव का प्रकोप बढ़ने से बचा सकते हैं। प्रति शनिवार शनि मंदिर भी जाना बिल्कुल ना भूलिए मित्रों। प्रति शनिवार शनि मंदिर तो आप जाइए ही गा, चाहे आपको संकेत मिले या न मिले। शनि मंदिर जाकर मित्रों शनि चालीसा या फिर आप शनिदेव से प्रार्थना भी कर सकते हैं। शनिदेव को मित्रों आप तेल अर्पण भी कर सकते हैं, शनिदेव आपके ऊपर जरूर प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, कुछ जरूरी बातें हैं। अगर आपको मित्रों व्यक्ति को आने वाले सपनों को भी उनके जीवन में होने वाली गतिविधियों से बद्धा संबंध होना है, होता है। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे सपने आपको आने लग जाए तो समझ लीजिए। मित्रों ध्यान से सुनिए, विशेषकर स्त्रियों से जुड़े सपने अगर आपको दिखने लगे या आपके सपनों में स्त्रियां आने लगे तो थोड़ा सचेत हो जाइए। मित्रों, यदि कोई अविवाहित पुरुष स्वप्न में अपनी प्रेमिका को हीरा अथवा हीरे से जुड़ा आभूषण भेंट करता है तो उसका आने वाला दाम्पत्य जीवन नरक के समान हो सकता है। सपने में यदि आप स्त्री का ऐसा चित्र बना रहे हैं जो नग्न अवस्था में है तो आपको दुर्भाग्य घेर सकता है, संबंध खराब होने के भी कुछ संकेत मिलते हैं। मित्रों, जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भागते हुए देखे तो यह संकेत है आपके संबंधों में आ रही दूरियों के। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत है आपके पार्टनर के आपको छोड़कर जाने के। वहीं यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को पत्नी या प्रेमिका से दूर होता हुआ देखे तो वह बीमार भी पड़ सकता है या प्रेमिका से कोई मनमुटाव भी संभव है। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत थे बहुत जरूरी जरूरी जो हमने बताए हैं। आप आसानी से इन संकेतों के बारे में पता करके अगर आपके साथ हो रहे हैं तो शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। हमने उपाय भी बताए हैं। कोई मूल्यवान वस्तु की खरीदारी अथवा पॉलिसी आदि में पैसा लगाने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। मित्रों, आपको कोई अप्रिय सूचना मिलने से घर में उदासी का माहौल भी बन सकता है। तो इस समय करना क्या है? स्वयं का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है और साथ ही परिवार का भी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके ज्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से कर्मचारी आपसे कुछ नाराज भी हो सकते हैं। महिलाएं अपने व्यवसाय के प्रति ज्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल ही करेगी और घर परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा। मित्रों, प्रेम संबंधों का असर घर की व्यवस्था को खराब कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब आप प्रेम संबंधों को अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत से लोगों की आपके प्रति नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर परिवार में आपको सुकून भरे माहौल को खराब नहीं करना है। प्रेम संबंधों को घर का असर बिल्कुल भी नहीं होने देना है और स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही, ज्यादा तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर रहें। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना आपकी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को सुधारिए क्योंकि यही आदत आपको बर्बाद भी कर सकती है।
अनुभवी लोगों का सानिध्य और मार्गदर्शन आपको अपनी जिंदगी में मिलेगा और कोई बहुत बद्धी दुविधा दूर होने से जीवन में फिर से मानसिक सुकून आपको प्राप्त होगा। काफी लंबे समय से आप इस सुकून की तलाश में भी थे और किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। घर के बड्ढे बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को नजरअंदाज करके दूसरों के सहयोग में समय लगा सकते हैं, जिससे आपके ही काम अधूरे रह जाएंगे। थोड़ा स्वार्थी बना रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका स्वार्थी